सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत में 23 पिटिशनर्स यानी 23 याचिकाकर्ताओं ने एक अपील की है, एक याचिका लगाई है। ये याचिका स्वीकार भी है और याचिका में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलकर संविधान का पालन नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि 5 अगस्त 2019 को 370 धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में संविधान का पालन किया गया या फिर नहीं। और इस पर बहुत तेजी के साथ में कई अलग अलग दलील चल रही है। मेरे कई साथी हैं, उनका ही एक बार ओपिनियन हम ले लेते हैं। कई पिटिशनर्स ने यह अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उल्लंघन किया गया है, लोकतंत्र का पालन नहीं किया गया है। इस पर ओपिनियन क्या है आपका? सर, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है और अगर हम पहले के अपेक्षा अभी देखें तो वहाँ अभी G20 जो हुआ था हाल ही में, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और पहले से काफ़ी टेररिस्ट जो वहाँ पे घटनाएं होती थी उन पे भी काबू कर लिया गया है और काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशंस भी चलते रहते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो भी अब पहले से कम डरे हुए रहते हैं, वो मतलब आज़ादी से अपनी बात रख पाते हैं और उनके लिए काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी सारे उनके लिए ऑप्शंस खुल गए हैं 370 हटने के बाद। और एक ये अच्छा फैसला था, लोकतांत्रिक फैसला ही था, मजबूत लोकतंत्र का फैसला था, ऐसा मेरा भी मानना है, मेरे चैनल का भी मानना है, मेरी कुलीग भारती का, हर्ष। 23 याचिकाकर्ताओं ने अपील की है और ये कहा है कि 370 जम्मू कश्मीर में वापस आना चाहिए। आपको ओपिनियन क्या है? क्योंकि पिटीशन में जो विवाद का बैकग्राउंडर है वो ये कहा गया कि भारत के संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था जिसे हटा दिया गया है। और ये पिटिशनर ये कहते हैं कि हमारे बच्चे अगर आकर के ये पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है या फिर नहीं, हम इसका क्या जवाब देंगे? सर, मुझे नहीं लगता कि उल्लंघन हुआ है, क्योंकि भारती मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वहाँ पे पहले से बहुत विकास हुआ है, ज़मीन भी ली गई है, 35-40 लोगों के ने ज़मीन ली है जम्मू कश्मीर में। और पहले से भी देखा जाए तो यही कहना चाहूँगा कि उल्लंघन नहीं हुआ, बहुत सही हुआ जो 370 हटा दी गई जम्मू कश्मीर से। केंद्र सरकार का अपना एक अलग पक्ष है और राहुल अभी बिजी हैं। विशाल मणि त्रिपाठी, विशाल कम ऑन, आपकी ज़रूरत है मुझे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला देना बहुत जल्दी ही, क्योंकि लगभग डे टू डे बेसिस पर सुनवाई चल रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 लगाना संविधान के दायरे में था या फिर नहीं। 370 हटने के बाद पिछले 4 साल में आपकी नज़र में जम्मू कश्मीर कितना बदला है, वहाँ के लोग कितने मुख्य धारा में जुड़े हैं, आतंकवाद कितना कम हुआ है, रोजगार का कितना सृजन हुआ है, विकास के पथ पर किस हद तक आगे गया है, सेपरेटिस्ट कैसे नेपथ्य में चले गए? देखिए, धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, क्योंकि पहली चीज। दूसरा जो है, जब 370 जो 35 था वहाँ पे, तो वहाँ का जो कानून था, वहाँ का जो ध्वज था, वो सब कुछ अलग था। 370 और 35 ख़त्म होने से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर अब भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा है, बिल्कुल। और जिससे कि जो है, पहले आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती थी, दूसरी चीज़ें हैं वहाँ पे, और भी जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी उनको अलग स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ था, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हुई हैं। और इसके अलावा जैसे जम्मू, हम यहाँ से जम्मू कश्मीर में जा कर के यदि बसना चाहें, मकान लेना चाहें, नौकरी इत्यादि, उन सब में हमें मौका नहीं मिलता था, यानी किसी अन्य प्रदेश के व्यक्ति को, लेकिन अब वो हमारे लिए वहाँ पे मौके हैं। तो इससे क्या होगा, फिर जब हम यहाँ के लोग वहाँ पे जाके बसेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, तो वहाँ का विकास होना सुनिश्चित होना तय है। ठीक कह रहे हैं आपकी बात, वही है ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने पूरे भारत के लिए क्या संकल्पना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय तक एक बात ये कहते थे कि एक देश में रह करके एक विधान, एक संविधान, एक नारा, एक झंडा चलना चाहिए। और 370 खत्म करके केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ऐसा किया। नमस्ते।